आई गेस मतलब ऐसी कई सारी फिल्म्स है जहाँ पे देयर इज अ कॉमन मैन और जिसका स्ट्रगल है और स्टोरीज अगर फिल्मों की आप देखो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके यू नो यूजुअली इट्स द सेम कि एक लड़का है एक लड़की है उनमें प्यार हो जाता है फिर वो बिछड़ जाते हैं साथ में आते हैं या व्हाटएवर द स्ट्रगल वुड बी द सोशल सिनेरियो चेंजेस द एग्जीक्यूशन चेंजेस सो सिमिलरली बाजी भी एक ऐसे बंदे की कहानी है जो मैं बताऊंगा तो ये मुझे खाली देगा बट वो जो हीरो है वो इस मिट्टी का हम लोग इसे मराठ मोड़ा कहते हैं वैसा है तो आप इनफैक्ट उसका अगर लुक भी देखोगे तो फेटा वेटा पहन के है वो बंदा सो इट्स अबाउट फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस इट्स अबाउट मेकिंग श्योर कि जो जस्टिस है लॉ है जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन करे इट्स अबाउट सेविंग पीपल इट्स अबाउट हेल्पिंग पीपल So obviously there are all these factors coupled with a lot of fantasy and a lot of adventure and a lot of action. श्रेयस ने बहुत पहले से यू नो बीइंग अ महाराष्ट्रियन उन्होंने काफ़ी मराठी में काम किया हुआ था लेकिन बीच में वो हिंदी में इतने बिजी हो गए थे कि शायद मराठी के लिए वो टाइम नहीं दे सके लेकिन बाजी एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो मुझे लगता है कि श्रेयस इज़ वेरी एक्साइटेड टू डू और शायद इसीलिए इतने सालों के बाद वो फिर से एक मराठी फिल्म कर रहे हैं बाजी एक ऐसे साधारण इंसान की कहानी है जो कि एक गांव में है और जिनको बुरा क्या है भला क्या है अपना समझ में आता है और बहुत ही सच्चे दिल का बहुत ही साफ मन का ये आदमी है और बाजी डजंट मीन कि यू नो कोई सुपर हीरो है जो कि यहाँ से वहाँ कूदेगा बिल्डिंग से छलांगे मारेगा जी नहीं बहुत ही साफ दिल का और सच्चे मन का ये हमारा हीरो है जो लोगों से काफ़ी कुछ उसने सीखा भी है काफ़ी कुछ सहन भी किया है लेकिन फिर भी अच्छाई देने में ये विश्वास रखता है सो मैं उनका लव इंटरेस्ट प्ले कर रही हूँ इस फिल्म में बहुत ही साधारण बहुत ही सिंपल सी लड़की है ये दोनों की दोस्ती होती है और प्यार होता है या नहीं वो आपको फिल्म देखने के बाद पता लगेगा द म्यूज़िक आई हैव नॉट रियली हर्ड द म्यूज़िक क्योंकि अभी तो हमारी शूटिंग शुरू होनी है बट द म्यूज़िक ऑब्वियसली इज़ डन बाय सम फैंटास्टिक पीपल दार मोशन पिक्चर्स आई मी जब आता है जब इतने सारे बड़े बड़े लोग इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज एक साथ आती है देन यू नो यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट सो आई जस्ट विश कि यू नो अभी जब मैं शूटिंग जाऊँगी तो कुछ गाना सुनने मिलेगा एंड आई जस्ट होप वील शूट अ वेरी नाइस सॉन्ग ये एक लव स्टोरी बेसिकली और फैंटेसी एडवेंचर लव स्टोरी वैसे तो जैसे हम लोग किताबें पढ़ते हैं ना कि वंस अपॉन अ टाइम फलाना ढमकाना जगह में एक लड़की रहती थी एक लड़का रहता था तो वैसा थोड़ा फैंटेसी के लेवल पे एडवेंचर एंड इट्स बेसिकली अ लव स्टोरी एक लड़की अपने क्या कहते हैं उसे शी इज़ वेटिंग फॉर द राइट मैन टू कम इन टू अ लाइफ एंड ऑब्वियसली बाजी कम्स एंड वट एवर हैपन्स विद दैट एक्शन होगी अच्छी खासी होगी एंड ऑब्वियसली निखिल चाहता है कि मैं उसके लिए फिजिकल थोड़ा सा जो काम करना पड़े वो भी करूँगा द ओनली थिंग इज़ कि थोड़ा काम उसने मेरा मुश्किल कर दिया कि पहले शेड्यूल में वो चाहता है कि मैं थोड़ा लीन रहूँ आप जैसे लीन है वैसे और दूसरे शेड्यूल में मैं थोड़ा सा पम्प अप करूँ सो इट विल बी स्लाइटली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू दैट बट फिल्म है तो करना तो पड़ेगा ही